बन बीबी की दुनिया में जंगल पर बाघ राज करते हैं और गरीब खतरे उठाने के लिए मजबूर होते हैं। वे अपनी आजीविका के लिए मछली या केकड़े पकड़ने जाते हैं या फिर शहद इकट्ठा करते हैं। वे भूख के खिलाफ लड़ाई के लिए बार बार मैनग्रोव के जंगल में जाते हैं और बाघ विधवाओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 की बाघ विधवाओं की संख्या 4 है, लेकिन वास्तविक संख्या 11 है। नेति धुपानी, पीरखली और आसपास के अन्य गांवों में बाघ विधवाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गोसाबा के श्रीनाथ मंडल और सुबल सरदार की तरह कई अन्य लोग जो मछली पकड़ने के लिए गए लेकिन कभी नहीं लौटे। श्रीनाथ की पत्नी रीता पति की यादों के साथ रहती हैं, यह जानते हुए कि श्रीनाथ वापस कभी नहीं आएगा। আমাকে কেউ বলেনি, মানে রাস্তার উপরে, বাইরে, বাড়ির ভিতরে সব জায়গায় লোক ভর্তি। তখন আমি জানতে পারলাম কোন একটা ঘটনা ঘটেছে। उस दिन श्रीनाथ और सुबल के साथ मनोरंजन जना भी जंगल गए थे, मगर वे बच गए। বন্ধু, মাছ জঙ্গলে নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে জাল পেতেছি, জাল পাতার সঙ্গে সঙ্গে মাছ করতে নামার পরেই শ্রীনাথকে জঙ্গলে বাঘে নিয়ে চলে যায়। শ্রীনাথের লাশটা আমি দেখতে পাই, আমার উপরে যেই লাশ দেখতে পাই সেই তালে তালে বাঘ আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। यहां मुख्य दोषी गरीब है। वे थोड़ा ज्यादा कमाने के लिए खतरा उठाते हैं, बाघ उन्हें मार डालते हैं। कभी कभी तो गांव वाले जंगल में मारे गए अपने साथी गांव वाले का शव तक नहीं ढूंढ पाते। ऐसे में बाघ विधवाओं को अपने बच्चों की देखभाल के साथ असहाय स्थिति से गुजरना पड़ता है। इस समय आय के दूसरे साधन की कमी के कारण ग्रामीणों को मछली पकड़ने के लिए जंगल के अंदर जाने का जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन प्रशासन दूसरे तरह से दावा करता है। काकड़ार दामटा एतो बेशी आछे, तो सेई अति लोभेर जन्य अनेके आमादेर कथा ना शुने ओई जंगले ढुके जान काकड़ा धरार जन्य, एवं ताते एई दुर्घटनागुलो बेशी करे घटे। यहाँ जिंदा रहने के लिए मौत से निपटने के लिए मजबूर होना है। बन बीबी असहाय है और बाघ विधवाएं भी असहाय हैं, जबकि नेति धुपानी और पीरखली जैसे गांव हर दिन शोक मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।